नमस्कार आप सभी का। मैं आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का एस्ट्रो पाठशाला में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस्ट्रो पाठशाला हमारे सब्सक्राइबर्स की वजह से, हमारे दर्शकों की वजह से बहुत आगे बढ़ रहा है और आप सबके जो टॉपिक्स हैं, आपके सुझाव हैं, आप सबके कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक नया इंटरव्यू लेकर आए हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्विद श्री धर्मेश मेहता जी के साथ। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इंटरव्यूज के माध्यम से एक एक ऐसा टॉपिक कवर करते हैं जिसमें आप सबकी रुचि हो, जिसमें आप सबको पता करना हो, आपकी जिज्ञासा हो। इसलिए आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए, जो है मारक ग्रह के बारे में। गुरु जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मारक ग्रह जो कुंडली में होता है, पहले तो उसे पता कैसे करते हैं कि मारक ग्रह क्या है और कैसे देखा जाता है। बिल्कुल धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। अब देखिए, मारक ग्रह के लिए बहुत सारे ज्योतिष खुद भी द्विधा में रहते हैं। तो पहले तो मारक का अर्थ जानते हैं। मारक का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो ये लोगों को समझना है कि ये मृत्यु कारक नहीं है, मतलब ये मारता नहीं है। अगर यही मार देगा तो कुंडली में अष्टम भाव का क्या फायदा। तो मारक का मतलब ये होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। जैसे बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, आईसीयू तक चले जाते हैं, लोगों को लगता है कि अब नहीं बचेंगे और वो रिकवर होके वापस आते, तो उनकी मारक दशा होती है। अगर उनकी अष्टमेश की दशा होती है तो शायद मृत्यु हो सकती है। तो ये मारक की ये चीज जाननी है कि ये मारता नहीं है पर मृत्यु तुल्य कष्ट है। शास्त्र में लघु पारा सिंह में मारक के लिए मारक को कैसे पहचाने, तो कहते हैं कि कुंडली का दूसरा भाव और सातवां भाव ये मारक स्थान है। अब इसको क्यों कहा है दूसरा और सातवां भाव, या ये ना ही परिवार या धन स्थान है इसलिए, या ना ही सप्तम भाव मतलब पत्नी है पति है उसके लिए। ये भावार्थ भावम के नियम के हिसाब से कहा है कि जो आयुष्य का व्यय करे वो मारक है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक थोड़े समय के लिए आप अपने आयुष्य से विमुख हो जाते हैं। तो सातवां भाव तो समझ में आता है क्योंकि वो आयुष्य स्थान का सीधा ही व्यय स्थान है, आठवें स्थान का बारहवां स्थान, इसलिए वो थोड़ा बहुत आयुष्य का व्यय करता है। अब ये तो समझते हैं, पर दूसरे भाव को क्यों कहा गया है, तो कहते हैं कि ये भी भावार्थ भाव अष्टम से अष्टम, आठवें से आठवां होता है तीसरा भाव, उसका व्यय स्थान। मतलब कि एक आयुष्य का व्यय कर रहा है सातवां भाव, और एक है आयुष्य के आयुष्य का व्यय भाव, मतलब कि आयुष्य से आठवें से आठवां तीसरा, उसका बारहवां मतलब दूसरा भाव। तो ये कुंडली में आपको इस तरह से पहचानना है कि आपकी कुंडली में जो भी लग्न है उसके दूसरे भाव और सप्तम भाव का जो भी मालिक मालिक होगा वो मारक बनेगा। सिर्फ इसमें एक ही आपको ऑप्शन दिया है, एक ही छूट दी है, रियायत दी है, एक्सेप्शन दिया है, वो है, तो वो सूत्र लिखा है द्विमारकम न मारकम। इसका मतलब होता है कि अगर दोनों मारक कोई एक ग्रह बनता है तो वो मारक नहीं। जैसे आप मेष लग्न का ले लो तो दूसरे भाव का मालिक शुक्र, सप्तम भाव का मालिक शुक्र, तो ये दोनों एक ही होने पे ये मारक नहीं होंगे। वैसे ही तुला लग्न में देखे तो द्वितीय भाव का मालिक मंगल शुक्र और सातवें भाव का मालिक भी शुक्र होता है। तो यहाँ पे भी आपको द्विमारकम न मारकम के नियम के हिसाब से यहाँ पे भी आपको मारक फल नहीं मिलेगा। मतलब कि मंगल का मेष लग्न उसमें शुक्र मारक नहीं बनेगा, शुक्र का तुला लग्न उसमें मंगल मारक नहीं बनेगा, बाकी सारे लग्नों में मारक होंगे। अब क्या होता है कि जैसे ग्रह शुभ और अशुभ होते हैं, इस तरह से मारक भी प्रबल मारक और निम्न मारक कहा जाता है। अब एक एग्जांपल लेते, जैसे वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न में दूसरे भाव का मालिक बुध होता है और सप्तम भाव का मालिक आपका मंगल होता है। तो यहाँ जो बुध है वो शुभ ग्रह है तो ये कम मारक होगा, और सप्तम भाव का मालिक जो मंगल है वो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह, तो ये ज्यादा होगा। जैसे आप कोई अशुभ या राक्षस को कोई शस्त्र दे दो तो वो पूरा ही मारेगा, ऐसी बात हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में जानिए कि आपके द्वितीय भाव और सप्तम भाव के मालिक कौन है। अगर मेष और तुला है तो आपको कोई ग्रह मारक नहीं है, और बाकी जो भी लग्नों में दूसरे और सातवें में जो पाप ग्रह होगा, अब देखिए हर एक लग्न में ऐसे आयोजन है कि एक शुभ ग्रह होगा मारक और एक पाप ग्रह हो, ऐसे कोई लग्न नहीं है जिसमें दोनों ही मारक हो। तो एक प्रबल मारक होगा और एक निम्न मारक होगा, तो वो इतना फल नहीं देगा। ये मारक जानने का तरीका है।
धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी इसी कड़ी में एक और प्रश्न ये है, जब मारक ग्रह की दशा आती है, क्योंकि जैसे आपने बताया मारक ग्रह की महत्वता क्या है किसी कुंडली में, वो बहुत अति महत्वपूर्ण है, तो जैसे ही उसकी दशा आती है तो वो एक व्यक्ति के जीवन पे क्या सही प्रभाव देती है, क्या गलत प्रभाव देती है? जी, जैसे मैंने कहा कि मारक एक समय है जो आयुष्य को कुछ समय के लिए रोक देता है। जैसे कोई कोमा में चला गया, कोई बीमार हुआ, अब किसी को कोई बीमारी हुई है, अकस्मात दुर्घटना हुई है, जहाँ पे डॉक्टर ने बोला 2 महीने आप खाट में रहेंगे, तो ये तो एक तरह का मृत्यु तुल्य कष्ट ही हुआ या बंधन ही हुआ। तो मारक की जब दशा आती है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव, अब इसमें भी 3 कक्षा के मारक होते हैं। जो दूसरे और सातवें भाव के मालिक है वो प्रबल मारक होते हैं, क्योंकि वो अधिपति जमाते दूसरे और सातवें भाव का। दूसरा आपका दूसरे और सातवें भाव में जो बैठ गए ग्रह, वो भी थोड़े कम मारक होते, उसके असर में तो आए ही वो भाव के। और तीसरा होता है दूसरे और सातवें भाव के मालिक जिनके साथ बैठते, उनमें भी, क्योंकि ग्रह तो एक दूसरे को असर करते ही है। तो जब प्रबल मारक की दशा आए या गोचर में वो जिन जिन भावों से, क्योंकि हर एक लग्न के लिए निश्चित तो हो ही गया कि ये ग्रह दो ग्रह मारक है, तो जिनके लिए भी ये निश्चय हो गया है, तो ये ग्रह जब जब भी किसी भी मार्ग दशा में, अंतर दशा में आए, या जिस भाव से ये मारक ग्रह गोचर से भ्रमण कर रहे हैं, तो वो भी पाप ग्रह शनि और राहु जैसा ही विपरीत फल देते। उन उन भाव से जुड़ा हुआ सबन, उन भावों से जुड़ी हुई परिणाम, उन उन भाव से जुड़े हुए सबन, रिलेशन भी होता है, चाचा मामा ये सब, उन सभी से आपको कोई ना कोई कष्ट जरूर देता है। तो ये भी देखना है, आप तो देखते कि भाई मेरे तो बुध की दशा है, पर ये नहीं देखा कि वो मारक बनता है। तो इसलिए आपको आपकी ही बुद्धि ऐसा काम कराएगी, ऐसा निर्णय लेगी कि इस वजह से आपको कोई ना कोई कष्ट आ जाएगा। तो इसलिए मारक ग्रह कब प्रबल होते, तो ये बैठे बैठे प्रबल नहीं होते, ये जब उनका समय आता है, दशा और गोचर में जब उनको समय दिया जाता है, तब वो किसी भी की महादशा हो, पर जब ये आए, अगर इनकी महादशा ही आई तो पूरा समय वो मारक फल देता है। और उसमें अगर कोई कोई भी ग्रह की महादशा में इनकी मारक ग्रह की अंतर्दशा आती है या गोचर में जिस भाव से जाती है, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी आप जो जानकारी दे रहे हैं ना, मैं बताना चाहूंगा कि इतने सारे व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि हमें सर की ही वीडियो देखनी है, क्योंकि हम वैसे तो बहुत लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, लेकिन क्या है हर टीचर का एक अपना क्राउड है, तो इसलिए तो हमें चाहिए था कि बहुत वास्ट टॉपिक है और इसमें गहन विश्लेषण की जरूरत थी, तो इसलिए हमें आपसे ही सुनना था। एक और बात करना चाहेंगे गुरु जी, हमने दशा जान ली, हमने उनके इफेक्ट्स जान लिए कि क्या प्रभाव रहते हैं, अब अगर किसी की मारक ग्रह की दशा चल रही है तो उसके उपाय क्या है? जी देखिए, एक बार डॉक्टर भी डायग्नोस तो कर लेता है कि भाई आपको ये दर्द है, फिर दवाई भी तो देता है, तो यहाँ पे उपाय भी देना बहुत जरूरी है। अब मैंने प्राय देखा है कि लोग उसी का ग्रह पहना देते हैं, उसी का रत्न वगैरह कराते हैं। देखिए ये मारक है, कोई शत्रु को अगर आपने शस्त्र दे दिया तो क्या हाल होगा, वो तो मारेगा ही मारेगा। तो इसको प्रबल नहीं करना है, वो वैसे ही आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहा है, वैसे ही कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, तो आपको चाहिए कि वह इसको प्रे करें। सबसे अच्छा होता है उन चीजों से जुड़ी हुई जो दान पुण्य है वो करें, क्योंकि दान ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आपके हाथ से, आपकी ऊर्जा से वो चीजें जा रही है। तो दान कर देने से, देखिए उपवास वगैरह भी कर सकते हैं, तो उपवास में ऐसा है जो ग्रह आपका वीक हो, अगर उसका आप उपवास करेंगे तो क्या होगा, आप भूखे रहेंगे, इससे दूसरों को क्या फायदा होगा। ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से शरीर के लिए बहुत जरूरी है, पर उपवास अपने लिए करें। पर जब दान पुण्य करते तो आपको भी आपके कर्म में फल मिलता है, और पाने वाला भी सुख होता है, संतुष्ट होता है, आशीर्वाद देता है। तो उन चीजों, उन ग्रह से जुड़ी हुई, जैसे मैं सूर्य ही ले लूं, अगर किसी की कुंभ लग्न है तो सातवें का मालिक है, कर्क लग्न है तो दूसरे का मालिक है। ठीक है, तो ये दो लग्न में जब सूर्य मारक हुआ तो आपको गेहूं का दान कर दीजिए, सबसे बेस्ट है, या तांबे का दान कर दीजिए, तो या सूर्य का मुख आता है उसका दान कर दीजिए मंदिरों वगैरह में। तो ये चीजों का दान करने से आपको उन ग्रहों की जो भी पीड़ा होती है वो कम होती है, या उसके मंत्र जाप करें। देखिए ये दो ही चीजें जिससे कि ग्रह अपना बल कम करता है। आप कोई शत्रु है उसको क्या बोले जा रहे, भाई तू ही श्रेष्ठ है, तू जो कर रहा है वो सही है, तुझसे आगे कोई नहीं। तो हम जब कोई मंत्र करते तो वही कहते कि
नीलांजनम समाभागम, भाई आप नीले दिख रहे, आप ऐसे दिख रहे, आप अच्छे हैं, ये है, तो आप प्रेज, आप उसको अच्छा बोल रहे, तो या मंत्र करें या दान करें, रत्न धारण करने की, बिल्कुल रत्न के वीडियो में भी हम कहते हैं या उसके लेक्चर में भी कहते हैं कि कभी भी मारक और बाधक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सूट ही नहीं होगा, उसका काम है आपके शरीर को कष्ट देना, तो कैसे आपको फायदा देगा। तो उन ग्रहों से जुड़ी हुई जो चीजें होती है उसका दान कर दीजिए, सबसे बेस्ट है, और उन चीजों का मंत्र खुद जप करते रहे, मानसिक जप करें या बैठ के जप करें, बस ये दो ही चीज है जो आपको उस समय से बाहर निकालेगी। तो ये इसका सबसे श्रेष्ठ आपके लिए समय होता है कि दान करें और यथाशक्ति दान करें और उसका जप करते रहे। धन्यवाद गुरुजी। इसका मतलब कि जो भी ग्रह आपका मारक है उससे संबंधित वस्तु या उससे संबंधित अनाज, जैसे आपने बताया कि सूर्य है तो वो तांबा हो गया, या चंद्रमा है तो जल हो गया या दूध हो गया, तो उससे संबंधित वस्तु का दान किया जाए या फिर मंत्र जाप किया बिल्कुल बिल्कुल, आपको उसकी जाए। असर कम करनी है तो उस चीजों को आपके शरीर से दूर दूर डालना है, तो जितना आप दूर करेंगे उतना आपको शांति मिलेगी। धन्यवाद गुरु जी आपका बहुमूल्य व्यक्तिगत समय देने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करा, इसके लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और आभार। और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एस्ट्रो पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बहुमूल्य जानकारियों के लिए, हमारे कोर्सेज के लिए। आप सभी का आभार और धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते।